रश्मिका मंदाना एंड टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म स्क्रू ढीला को बनाने से पहले ही टाइगर श्रॉफ इस फिल्म से पीछे हट चुके हैं। एंड क्यों करण जौहर टाइगर श्रॉफ के साथ काम नहीं कर रहे हैं स्क्रू ढीला पर? क्या ये फिल्म आगे चलकर कंप्लीट होगी या फिर टाइगर श्रॉफ अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है? तो क्या है कंप्लीट अपडेट फिलहाल नए साल में स्क्रू ढीला फिल्म की? कंप्लीट इस फिल्म के बारे में बताऊंगा, तो बने रहो आखिर तक इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके। स्क्रू ढीला फिल्म की शुरुआत होती है जरासल स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू में, जब करण जौहर ऑब्जर्व करते हैं कि टाइगर श्रॉफ को बहुत बड़ा वाला कीड़ा काटा है एक्शन फिल्म में बनाने का। तो उन्होंने सोचा कि आगे चलकर वो एक एक्शन फिल्म साइन करेंगे टाइगर श्रॉफ के साथ। एंड फिलहाल उन्होंने फाइनल किया टाइगर श्रॉफ एंड रश्मिका मंदाना को। लेकिन जब बात आई एक फिल्म में काम करने के लिए टाइगर भैया कितने रुपए लेंगे, तो करण जौहर सोचे होंगे कि हाँ 10 करोड़ में लिपट जाएगा। लेकिन टाइगर श्रॉफ बोले कि भाई देख, एक तो यार आपके साथ जब भी फिल्म बनाता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत गंदा रोस्ट होता है मेरा, एंड आपकी फिल्मों में भी दम नहीं होता है, खासकर अभी की फिल्में देखे तो। जिसके वजह से यार टाइगर श्रॉफ को एक बहुत ही अच्छी कहानी की जरूरत थी, एंड हो सकता है इस फिल्म में भी हो। लेकिन जब टाइगर श्रॉफ ने कहा कि मैं इस फिल्म में काम करने के लिए 30 करोड़ रुपए लूंगा, देन करण जौहर ने अपने पैर पीछे कर लिया। टाइगर श्रॉफ भी बोले कि मैं भी उससे कम लेने वाला नहीं हूँ, जिसके वजह से इस प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया गया। एंड फिलहाल की अपडेट यही है कि इस फिल्म का काम अभी रुका हुआ है, लेकिन कोई कंफर्म अपडेट नहीं है कि क्या दोबारा इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है या नहीं, एंड क्या टाइगर श्रॉफ इस फिल्म को करेंगे। लेकिन जहां तक यार मेरी ओपिनियन की बात करूं, तो मेरे को लगता है घंटा फर्क नहीं पड़ता है, टाइगर श्रॉफ जैसा एक्शन सुपरस्टार यार इस फिल्म को जरूर से करेगा, एंड करण जौहर भी अच्छा खासा उनको जरूर से 30 करोड़ की पेमेंट करेंगे। एंड बहुत तरह तरह के न्यूज आते हैं, तो उन न्यूज पे ज्यादातर ध्यान ना दे, क्योंकि बहुत सारे फिल्म लाइन में लगी हुई है टाइगर श्रॉफ की, स्क्रू ढीला हो, बड़े मियां छोटे मियां हो और गणपत हो। एंड जहां तक बात है इस फिल्म की रिलीज होने की, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के आखिर में नहीं बल्कि अगले साल ही हमें इस फिल्म को देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस साल तो ऑलरेडी टाइगर श्रॉफ को काफी ज्यादा काम करना है, बहुत फिल्में उनकी आने वाली है। एंड उन्हीं में से जो सबसे तगड़ी एंड सबसे बेस्ट फिल्म है वो है गणपत पार्ट 1 द एमएमए फाइटर टाइगर श्रॉफ। इस फिल्म की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए राइट साइड वाली वीडियो देख लो भाई, मजा आ जाएगा। एंड आगे चल के सभी फिल्मों की अपडेट दूंगा मैं सबसे जल्दी। एंड सबसे पहले तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ब्लॉकबस्टर बैटल्स को एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।